दोस्तों मैं मोहम्मद फराज मलिक आज का टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन एक देश एक चुनाव बहुत जरूरी टॉपिक है पूरे देश के लोगों के लिए ध्यान से सुनिएगा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि ऐसे मामले पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी पहले भी कई बार कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर इसको लागू करना चाहते हैं इसको लेकर आज एक कमेटी भी बना दी गई है और इस कमेटी का अध्यक्ष देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली पॉलिसी देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको क्यों लागू करना चाहते हैं आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में चुनाव बहुत ज्यादा होते हैं हर साल किसी न किसी दो चार राज्यों में चुनाव जरूर होता है विधानसभा का चुनाव पाँच साल के बाद तो लोकसभा का चुनाव आता है प्रधानमंत्री का लेकिन हर साल देश के किसी ना किसी राज्य में एक दो तो जगह चुनाव होते हैं जब चुनाव होता है तो आचार संहिता लागू करनी पड़ती है देश के जो टॉप के नेता हैं पार्टियों के वो दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं पैसा भी खर्च होता है आचार संहिता लगती है उसमें भी पैसा खर्च होता है टाइम भी बर्बाद होता है और लोगों का ध्यान हमेशा चुनाव में ही लगा रहता है लोगों का मतलब नेताओं का तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली पॉलिसी है नियम है अगर देश के अंदर ये लागू होता है तो पूरे देश के अंदर एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे थोड़ा और आसान भाषा में समझाऊं, तो एक ही दिन प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन और जो हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनका इलेक्शन एक ही दिन होगा पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही बार में होंगे यानी प्रधानमंत्री भी एक ही दिन बनेगा और मुख्यमंत्री भी देश के हर राज्य का एक ही दिन बनेगा इससे यह होगा कि जो बार बार देश में आचार संहिता लगती है देश में हर वक्त चुनाव होते रहते हैं वो चुनाव भी खत्म हो जाएंगे सिर्फ एक सीजन आएगा पांच साल के बाद अब लोग वोट डालने जाए लोकसभा और विधानसभा का दोनों का वोट डालकर आ जाए अगर देखा जाए एक नजरिए से तो नियम तो अच्छा है हम लोग भी पक जाते हैं हर छह आठ महीने में किसी ना किसी राज्य में चुनाव होता है और मीडिया महीनों पहले से उसकी तैयारी में लग जाता है नेता भी बस चुनाव में लगे रहते हैं काम धंधे पर ध्यान नहीं देते हैं अगर एक नजरिए से देखा जाए तो बहुत अच्छा नियम है लेकिन विरोध होता है विरोध किस लिए होता है और अगर ये लागू होता है क्योंकि 18 से 22 सितंबर का एक विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है संसद का उसमें इस बिल को बीजेपी ला सकती है सुबोघाट ऐसी है अगर बिल लेकर आती है तो क्या संसद में इस कानून को पारित कर दिया जाएगा क्या पॉसिबल है इस कानून को पूरे देश के अंदर लागू करना क्योंकि अगर यह कानून देश के अंदर अभी लागू होता है तो जिन राज्यों में अभी सरकारें बनी हुई हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं उन सारी सरकारों को भंग करना पड़ेगा कुछ राज्यों में तो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं छह आठ महीने हुए हैं तो उन सरकारों को भी भंग करके फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के इलेक्शन के साथ इलेक्शन करवाना पड़ेगा तो क्या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं जहां पर अभी सरकार बनी है जैसे कर्नाटक में बनी तो क्या वो राजी हो पाएंगी अपनी सरकार को भंग करने के लिए क्योंकि लोकसभा का यानी प्रधानमंत्री का चुनाव आने वाला है अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने हैं तो देश के तमाम राज्यों की सरकारों को भंग करना पड़ेगा तभी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव हो पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले कई बार इसको लेकर चर्चा कर चुके हैं उनकी मंशा है कि देश के अंदर यह नियम लागू होना चाहिए लेकिन पॉसिबल शायद होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि सरकारें इतनी आसानी से नहीं मानेंगी जो विपक्षी पार्टियां हैं कि हमने अभी छह महीने पहले आठ महीने पहले सरकार बनाई और आप उसको भंग कर रहे हैं तो पार्टियां इतनी आसानी से नहीं मानेंगी लेकिन 18 से 22 सितंबर के बीच जो विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है संसद का उसमें कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार ले सकती है आपको बताते चले कि पहले इसी तरह से चुनाव होते थे एक साथ लोकसभा और विधानसभा के भारत की आजादी के बाद उन्नीस सौ बावन उन्नीस में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही दिन हुए थे लेकिन उन्नीस और उनहत्तर में कई विधानसभाएं अपने पांच साल के कार्यकाल से पहले ही भंग हो गई इस वजह से देश के अंदर ये जो परंपरा चल रही थी एक देश एक चुनाव वाली वो टूट गई क्योंकि इस परंपरा को लागू करने के लिए सभी सरकारों को अपना कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा लेकिन हमारे देश के अंदर तो आप लोग देख रहे हैं कि समय से पहले कितनी सरकारें भंग हो जाती हैं विधानसभा भंग हो जाती है किसी की सरकार किसी के पास चली जाती है मान लेते हैं कि केंद्र सरकार इस नियम को अभी लागू कर भी देती है तो क्या गारंटी है कि आने वाले पांच दस साल में यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी कि एक ही दिन चुनाव होगा लोकसभा विधानसभा का हो सकता है कि भाई आने वाले दिनों में यह परंपरा टूट जाए कोई विधानसभा अपने कार्यकाल से पहले ही भंग हो गई तो ये परंपरा तो फिर भी टूट जाएगी बीच में तो मोदी जी इसको लागू करने की बात तो कर रहे हैं लेकिन ये आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है आप हम सभी लोग जानते हैं कि सरकार अगर कोई कानून लागू करती है देश के अंदर तो विपक्षी पार्टियां उसका विरोध जरूर करती हैं अब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इस नियम को लागू करने की बात कर रही है इसका विरोध विपक्षी पार्टियां करेंगी अब मोदी सरकार क्या कहेगी देखिए लागू करना इतना पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि कुछ राज्यों में तो अभी इसी साल सरकारें बनी है तो सरकार कैसे भंग कर सकते हैं हाँ एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है बीजेपी अगर वाकई में सही नियत से इस नियम को लागू करना चाहती है मोदी जी की दिली इच्छा है तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं तो सबसे पहले अपनी सरकारों को बीजेपी भंग करे तमाम राज्यों से उसके बाद विपक्षी पार्टियां खुद ब खुद कर ही देंगी एग्जाम्पल सेट करे फिर विपक्षी पार्टियां आगे आ जाएंगी लेकिन कई सारे विशेषज्ञों का ऐसा भी मानना है कि मोदी जी ठीक चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठा रहे हैं और मुद्दा ऐसे उठाएंगे कि देखिए हम एक देश एक चुनाव कराना चाहते हैं ताकि देश का खर्चा बच सके ये समय समय पर जो हर राज्य में चुनाव होते रहते हैं इससे देश में खर्चा ज्यादा होता है इलेक्शन का तो हम चाहते हैं कि देश का पैसा ज्यादा बर्बाद ना हो एक ही दिन आप जाए और वोट डालकर वापस आ जाए बार बार की झंझट खत्म होगी तो पैसा भी बचेगा प्रधानमंत्री मोदी जी इस मुद्दे को उठा सकते हैं कि हम इस नियम को लागू करना चाहते हैं देश के भले के लिए सोच रहे हैं कि पैसा बचेगा और इसका विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं तो चुनाव से पहले मोदी जी इस मुद्दे को भी उठा सकते हैं धारा 370 वाला मामला जैसे कई सारे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया भले ही वहां पर कुछ ज्यादा बदलाव ना हुआ हो लेकिन मोदी जी ने इसको बहुत ज्यादा बनाया था चुनाव में कि हमने धारा तीन हटा दिया तो हो सकता है कि इस मुद्दे को भी जनता के सामने रखें जनता को जब भला होता हुआ दिखता है देश का के भाई देश का खर्चा बचेगा और ये बार बार जो चुनाव आते हैं इससे झंझट होती है बहुत ज्यादा तो ये सब कुछ भी खत्म हो जाएगा देखिए मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं इसको लागू करना चाहते हैं लेकिन ये विपक्षी पार्टियां हैं लागू नहीं करने दे रही हैं तो इससे थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट जो है वो विपक्षी पार्टियों के ऊपर पड़ेगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पर आकर अटक जाएगा कि जिन राज्यों में अभी अभी हाल ही में इसी साल सरकारें बनी है या पिछले साल सरकारें बनी है क्या वो अपनी सरकारों को भंग कर सकती हैं अगर बीजेपी सारी सरकारों को अपने हर राज्य की भंग करेगी तो हो सकता है कि शायद विपक्षी पार्टियां भी कर दें कई सारे विपक्षी नेताओं का यह भी कहना है कि भाई लोकसभा का चुनाव अलग होता है विधानसभा का चुनाव अलग होता है जब विधायकी का वोट डालने वोटर जाता है तो उसका दिमाग थोड़ा सा अलग चलता है राज्य की समस्याओं को लेकर और वहीं जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो एक वोटर का दिमाग अलग चलता है लेकिन जब वो एक साथ दोनों वोट डालने जाएगा वो चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाऊं बीजेपी को वोट दूं तो अगर वो प्रधानमंत्री को वोट देगा तो हो सकता है कि उसके दिल में ये आ जाए कि चलिए जब हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो हमारे राज्य का जो विधायकी में बीजेपी से लड़ रहा है चलिए बीजेपी को ही वोट दे देते हैं तो हो सकता है कि इससे काफी फायदा बीजेपी को हो और ये बात सही भी है बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद करते हैं प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाना चाहते हैं लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री किसी और को बनाना चाहते हैं विधायक किसी और पार्टी का बनाना चाहते हैं लेकिन जब वो वोट एक साथ एक के दिन डालने जाएंगे तो हो सकता है कि उनके दिमाग में आ जाए अरे चलिए हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं तो इधर भी बीजेपी को वोट दे देते हैं तो कई सारी चीजें हैं इसको लागू करना बहुत बहुत मुश्किल है लेकिन सुखबुघाट है कि बीजेपी बिल ला सकती है अच्छा अब आखिरी सवाल आपके दिमाग में ये आता होगा कि इसको लागू करने का क्या है इसको लागू करने के दो सेनरियो हैं पहला संसद कानून बना सकती है या फिर दूसरा देश के तकरीबन दो तिहाई जो राज्य हैं उनके रजामंदी होनी चाहिए अब दो तिहाई राज्य में तो बीजेपी की सरकार तकरीबन है तो भाई रजामंदी तो बीजेपी की होगी दो तिहाई राज्य अगर इस कानून को बनाने की मांग करते हैं समर्थन करते हैं तो ये नियम कानून देश के अंदर बन जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही दिन होंगे इसके लागू होने के के बाद क्या ऐसा होना चाहिए देश के अंदर अगर एक नजर से देखें तो बिल्कुल होना चाहिए लेकिन वहीं अगर दूसरी नजर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें बीजेपी को फायदा हो और विपक्ष इसी वजह से इसको लागू नहीं होने देगा आगे क्या होगा इसी महीने सब कुछ पता चल जाएगा फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए